Assalamualaikum. I hope you are fine. So this topic is about the respiratory system of cockroach. Cockroach के अंदर respiration किस तरीके से होती है, कौन कौन से respiratory organ included हैं, उसके बारे में हमने study करना है. So if we talk about the respiratory system of cockroach, so cockroach have invaginated respiratory system. Cockroach के अंदर invaginated respiratory system पाया जाता है, इसे tracheal system कहा जाता है. इन्वेजिनेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन्वेजिनेटेड वैसे तो जो है कवर्ड को कहा जाता है, सो इसका मतलब ये होगा कि उनके अंदर कवर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद होता है जिसे ट्रेकिया सिस्टम कहा जाता है. द ट्रेकिया सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरनल ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया. जो ट्रेकिया सिस्टम है वो बहुत सारी इंटरनल ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और उन ट्यूब्स को ट्रेकिया कहा जाता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का वो एक इन्वेजिनेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसे ट्रेकिया सिस्टम कहा जाता है. और वो ट्रेकिया सिस्टम कंसिस्ट होता है बहुत सारी ट्यूब्स के अंदर और वो ट्यूब्स कहलाती हैं ट्रेकिया. ऑन वन साइड इट ओपन द बॉडी थ्रू आउट माइन्यूट राइट लाइक पोर्स नॉन स्पाइरेकल्स. एक जानिब जो है ये बॉडी के ज़रूर खुलती है जो कि माइन्यूट राइट लाइक पोर्स हैं जो कि स्पाइरेकल्स कहलाते हैं. एक साइड पे ये जो होते हैं ये बॉडी को ओपन करते हैं एक माइन्यूट लाइक पोर्स की तरह जो पोर्स कहलाते हैं स्पाइरेकल्स, जबकि ऑन द अदर साइड रेमिफाई थ्रू आउट द बॉडी इंटू फाइन ब्रांचेस ऑफ ट्रैक्यूल्स, जबकि दूसरी तरफ रेमिफाई हो जाते हैं बॉडी की जानिब जो कि फाइन ब्रांचेस या ट्रैक्यूल की सूरत में. रेमिफाई थ्रू आउट द बॉडी मतलब कि शाखों की तरह बॉडी के अंदर जो है फैल जाती हैं. अगर लिखा हुआ जैसे कि इंटू फाइन ब्रांचेस ऑफ ट्रैक्यूल्स, ये ट्रैक्यूल्स के सूरत में या फाइन ब्रांचेस की सूरत में रेमिफाई हो जाती है बॉडी से. ट्रेकिया एंड ट्रैक्यूल्स आर लाइंड इंटरनली बाय थिन क्यूटिकल. जो ट्रेकिया और ट्रैक्यूल्स है मतलब वो जो ब्रांचेस निकली हैं वो लाइन होती हैं इंटरनली, किससे लाइन होती हैं, एक थिन क्यूटिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उससे जो है ये लिंड हो जाती हैं. देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ कॉकरोच. कॉकरोच के लेटरल साइड के ऊपर 10 पेयर्स पाए जाते हैं स्पाइरेकल्स के. स्पाइरेकल्स हम पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होता है, एक माइन्यूट लाइक पोर्स जो होता है उसे स्पाइरेकल्स कहा जाता है. तो जो लेटरल साइड है कॉकरोच का उसके अंदर 10 पेयर और स्पाइरेकल के मौजूद होते हैं. टू लाई इन द थोरैकिक सेगमेंट, उनमें से जो दो हैं वो थोरैकिक सेगमेंट के पास पाए जाते हैं. एंड 8 इन द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, और 8 जो है फर्स्ट जो उसका एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके अंदर मौजूद होते हैं. तो ये हमने जाना कि इसके अंदर जो है 10 पेयर्स पाए जाते हैं स्पाइरेकल के, जिसमें से दो हैं वो थोरैकिक सेगमेंट के करीब, जबकि 8 जो है फर्स्ट जो एब्डोमिनल कैविटी है एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके अंदर मौजूद होते हैं. स्पाइरेकल्स आर ओपन और क्लोज बाय वाल्व्स विच आर ऑपरेटेड बाय स्पेशल मसल्स. जो स्पाइरेकल्स हैं उसे ओपन या क्लोज होते हैं वो वाल्व्स के थ्रू. वाल्व्स क्या है, वाल्व्स एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कोई भी चीज़ ओपन या क्लोज होती है. तो स्पाइरेकल भी जो है इस मैकेनिज्म के थ्रू ही ओपन या क्लोज होता है, ऑपरेटेड बाय स्पेशल मसल्स जो के ऑपरेट किसके अंदर होता है, वाल्व्स का प्रोसेस, वाल्व्स का मैकेनिज्म ऑपरेट होता है एक स्पेशल मसल्स के अंदर, जिससे स्पाइरेकल्स जो हैं वो ओपन होते हैं या स्पाइरेकल्स क्लोज होते हैं. स्पाइरेकल्स हम जानते हैं क्लोज है, जो है पोर्स हैं, तो पोर्स एक मैकेनिज्म के थ्रू जिसे वाल्व्स कहा जाता है उसके थ्रू ही ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं. ट्रैक्यूल्स एंड एज ब्लड फ्लूड फील्ड फाइन ब्रांचेस. ट्रैक्यूल जो है एक फ्लूड फील्ड फाइन ब्रांचेस के ऊपर आकर एंड हो जाता है विच आर अटैच्ड विद द सेल्स ऑफ टिश्यू. जो कि टिश्यूज होते हैं सेल्स के उसके साथ अटैच होती हैं. तो हमने जाना इसके अंदर के जो 10 पेयर होते हैं स्पाइरेकल होते हैं उनमें से दो जो हैं वो थोरैकिक सेगमेंट और जबकि 8 जो है एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं. स्पाइरेकल को ओपन और क्लोज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वाल्व्स जो कि ऑपरेट करता है एक स्पेशल मसल्स. ट्रैक्यूल फिर आकर एक फ्लूइड फील्ड ब्रांच के ऊपर एंड हो जाता है जो कि अटैच होती है टिश्यूज के सेल के साथ. द कॉकरोच टेक्स इन एयर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर. कॉकरोच जो है वो डायरेक्टली अपने एटमोसफेयर से ही एयर को इन करता है या एयर लेता है इनटू द ट्रेकिया थ्रू आउट द स्पाइरेकल्स. वो एयर जो है वो ट्रेकिया से लेता है लेकिन किस प्रोसेस किसके थ्रू लेता है, स्पाइरेकल जो उसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं उसके थ्रू लेता है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेज डायरेक्टली इनटू द सेल. ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर डिफ्यूज जाती है, सेल्स और टिश्यूज के जो सेल होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज जाती है. एट द लेवल ऑफ फ्लूइड फील्ड ट्रैक्यूल्स, जो कि फ्लूइड फील्ड ट्रैक्यूल्स के लेवल पर जाकर पहुँचता है.
तो ऑक्सीजन डायरेक्टली जो है सेल के टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाती है। द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड अपॉन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, जो रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड के और ब्लड प्लाज्मा के ऊपर डिपेंड करती है। विच टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड फॉर इट्स अल्टीमेट रिमूवल थ्रू आउट द बॉडी सरफेस या क्यूटिका, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसके रिमूव करती है बॉडी से, बॉडी सरफेस से किसके थ्रू करती है, थ्रू द क्यूटिकल, क्यूटिकल की जो सरफेस है उसके थ्रू जो है बॉडी से रिमूव कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल डिपेंड करती है ब्लड प्लाज्मा के ऊपर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करता है और इसको रिमूव कर देता है थ्रू द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड देन रिमूव हो जाती है। सो दिस वॉज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ कॉकरोच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।